हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको बता देता हूँ पहले ही, मैं जा रहा हूँ इस रोड से जैसे दूसरे रोड से जाना होता है, लेकिन मैं सोचा कि आपको भी ये जंगल का सैर करा दूँ। तो चलिए दोस्तों, जंगल का सैर कराते हैं और मज़े लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, यहाँ से हम जाएंगे, एक मंदिर है माता जी का, जो दुर्गे माँ का मंदिर है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। जैसे कंपियरगंज के आगे आप जाएंगे और परिंदा के बीच में पड़ता है वो मंदिर। तो दोस्तों, इसी रोड से हमको जाना है और इसी रोड से शॉर्टकट लिया हूँ, और शॉर्टकट से मैं मतलब अलग से भी एक रोड गया है जो सड़क है, लेकिन दोस्तों मैं सोचा आपको भी जंगल की सैर करा दूँ और दिखा दूँ आपको जंगल, क्योंकि आपको पता ही होगा जंगल कितना अंधाधुंध कटाई हो रही है, आप लोगों को तो पता ही होगा। दोस्तों मैं इस मतलब इस रोड पर बाइक से हूँ और बाइक से ही मैं आया हूँ, माँ दुर्गा के मंदिर जा रहा हूँ दोस्तों। और मैं बता दूँ, आगे आपको पुल भी दिखाऊँगा जो रास्ते में पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, एंड मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको ऑल पे रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मतलब ऐसे ही नहीं, मतलब दूसरा भी मैं आपको दिखा सकता हूँ ब्लॉग से रिलेटेड ही वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं जंगल की खूबसूरती, और दोस्तों आपको पता ही होगा जंगल से ही पर्यावरण है और पर्यावरण से ही हमारा जीवन संभव है। और दोस्तों आपको पता ही होगा जंगल से ही हमारा मौसम बनता है, और मौसम से ही बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से ही फसलें लहलहाती हैं। तो दोस्तों बारिश ना हो तो धान की पूरी फसलें तबाह मतलब बर्बाद हो जाएंगी। बारिश की ही वजह से फसलें हम लोगों की लहलहाती हैं और बढ़िया से हम लोगों को अनाज भरपूर मिलता है। और दोस्तों बारिश का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों जंगल, और वन ही दोस्तों बारिश का कारण बनते हैं। और दोस्तों परिधन वावरण का मतलब होता है पर्यावरण, दो शब्दों से बनकर बना है। आप लोग क्लास मतलब स्कूल में पढ़े ही होंगे, जिसकी वजह से परि का होता है चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, जो जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। और दोस्तों ये जंगल देख सकते हैं, यहाँ पे बंदर भी है, पेड़ों पे भी बंदर आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको दिखा होगा पेड़ के ऊपर भी बंदर थे। और दोस्तों देख सकते हैं इधर उधर मतलब बंदर रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर देखने को आपको मिलेंगे इस रोड पे आएंगे। तो मैं सोचा आप लोगों को भी इस जंगल का आज शेयर करा देता हूँ। अगर आप शहर के होंगे तो आप बहुत ही मुश्किल होता होगा जंगल देखना, इसलिए दोस्तों मैं सड़क से भी जा सकता था दुर्गा माता के मंदिर पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सैर करा देता हूँ जंगल की, इसलिए मैं इस रोड से आया हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं जिधर आप देखेंगे पेड़ ही पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कच्ची सड़क भी बनाई गई है जो ईंट की बनती है। और सच बोलूं तो दोस्तों इस रोड से आकर जितना आनंद हमको मिला है, जितना खुशी मिली है, और उस सड़क से आने पर नहीं मिली है, क्योंकि दोस्तों इधर एकदम आपको शीतलता ही आपको यहाँ इस जंगल में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों छांव ही छांव होता है। और यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं पुल के करीब हम लोग आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इधर थोड़ा कम पेड़ आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसे धूप भी है, बहुत तेज़ी से धूप है, और यहाँ पे दोस्तों आया हूँ तो बहुत ही अच्छा हमको लगा। इस रोड पर आकर दोस्तों मेरा दिल एकदम खुश हो गया, क्योंकि दोस्तों ऐसा आपको बहुत ही कम आपको मिलेगा जंगल सैर करने का। और यहाँ से दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, इधर पूरा पानी ही पानी है, यहीं से कुछ दूर पे आपको मिलेगा एक पुल है, छोटा सा पुल जो मिनी पुल होता है वही पुल है, और वहाँ पे उस रास्ते से पानी बहता है। और इधर आपको देख सकते हैं सामने दिख भी रहा है दोस्तों, पुल यही है, छोटा सा मिनी पुल है। इधर दोस्तों आपको सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये नहर है, और इसके बाद भी एक पुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो पुल है।
और इधर नहर बहता है और जंगलों का स्रोत, जैसे दोस्तों मैं बता दूं जहाँ भी जंगल रहता है वहाँ से नदी ज़रूर बहती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नदी में नहीं मतलब नहरें जो रहती हैं बहती हैं। यह दूसरा पुल है दोस्तों, देख सकते हैं टूट गया है, लेकिन ये बहुत ही पुराना पुल है। और आगे चलकर अभी दोस्तों बहुत काफ़ी दूर मतलब इस जंगल से जाना है, काफ़ी बड़ा जंगल है ये। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको ऑल पे रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँचे। तब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग लेकर कल, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।